ध्यायेति नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंशं रत्नाकलपोज्ज्वलाङ्गं परिशुमृगमरादिपीतिहस्त्रं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तु मम करेणि भ्राग्यकृत्यं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। आप सभी को प्रणाम करता हुआ आज नागपंचमी के पावन पर्व पर, जो कि 2020 में 25 जुलाई 2020 दिन शनिवार को पड़ रहा है, इस दिन विशेष रूप से नाग की पूजा की जाती है, अर्थात सर्प की पूजा की जाती है। और सर्प की पूजा के साथ साथ भगवान शिव के मंदिर में जाकर के वहाँ पर भगवान शिव की, नंदी बाबा की, इनकी भी पूजा करने का विधान है। काल सर्प दोष के जातकों को एक विशेष बात मैं बताने जा रहा हूँ कि बहुत से जातक ऐसे हैं जो काल सर्प दोष से ग्रसित हैं, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष जैसी संबंधी जो समस्याएं विद्यमान हैं उनको देखते हुए आप पास में जो भी शिव मंदिर हो वहाँ पर जा कर के चांदी के बने हुए सर्प का एक जोड़ा लीजिएगा और सप्त धान्य, सात प्रकार का अनाज होता है वो लीजिएगा और कोयला, ये लेकर के आपको शिव मंदिर जाना है और वहाँ पर भगवान शिव के पास में ये सारी वस्तुएं रख करके और षोडशोपचार विधि से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जल है, दूध है, दही, घी, सहज, शकर, पंचमेवा, पंचामृत इत्यादि से, और इसके बाद में उनको वस्त्र है, यज्ञोपवीत है, चंदन है, पुष्प है, माला है, धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करके और वो सारी सामग्री वहीं शिव मंदिर के पास में छोड़ करके आपको आनी है। काल सर्पदोष से ग्रसित जो जातक है इनके लिए एक सूक्ष्म साधारण सा उपाय मैं ये बता रहा हूँ, और विशेष अनुष्ठान के रूप में अगर काल सर्पदोष की आप शांति कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप ये कार्य श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, जिसको नागपंचमी बोला जाता है, उस दिन करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो काल सर्पदोष के जातक इस उपाय को करने से अपने जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं उनको दूर कर सकते हैं। मित्रों, पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।